हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक छोटी बच्ची की फुल गेयर की पैंट सिलने वाले हैं, फुल गेयर की सलवार। तो इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े पर उसकी पूरी ऊंचाई नाप लेंगे। तो जैसे उसकी पूरी ऊंचाई है 28, तो हमें नेफा अलग से लेना होगा। तो नेफे के लिए हम 5 इंच छोड़ देते हैं। तो 5 इंच हम 30, उसकी पूरी ऊंची 30 है तो हम उसमें से 5 कम कर देंगे। तो अभी सॉरी 28 है तो हम उसमें से 5 कम कर देंगे। तो हम 23 लेंगे, 23 में हम 2 इंच मिला लेंगे, तो ये हो गया 25। तो ये हम यहाँ से 25 नाप लेंगे। तो हमारा ये यहाँ पर आता है 25। अब हमें फुल गियर चाहिए, इसीलिए हम ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा कपड़ा नापने वाले हैं। और अगर आप उसको बीच में अगर आसन बनाने वाले हैं और अगर बनाना चाहते हैं तो आप आसन की जगह यहाँ से गिन लीजिए, जहाँ पर आप जहाँ तक ये कपड़ा है यहाँ से हम आसन की जगह गिन लेंगे। तो हम आसन लेंगे 5 इंच, या आप 4 इंच आसन ले लेंगे, हम 4 इंच। और यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन दे देंगे। अब हमने जहाँ पर इसकी पूरी ऊंचाई नापी है यहाँ पर हम इसका बॉटम नाप लेंगे। तो हम इसका बॉटम रखेंगे 6 इंच। इस तरह से हम इसका बॉटम ले लेंगे। फिर अब इसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे तिरछा जोड़ लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी पूरी तिरछी लाइन यहाँ पर जोड़ ली है। अब हम बॉटम की लाइन को भी जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसको आसन रख सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं रख सकते। आसन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें उठने बैठने में फिर परेशानी नहीं होती,
ज़्यादा और घेर भी ठीक से बना रहता है। तो देखो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है पैंट की। मैं आपको इसकी घड़ी खोलकर बताती हूँ। ये मैंने 4 चौबल कपड़ा लिया है और बन साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये 2 पीसेस कट हो गए हैं दोनों तरफ के। अब हम नेफा काट लेंगे। अब हम नेफे को इस तरह से डबल कपड़ा रखेंगे। अब हम नेफे की ऊंचाई ले लेंगे। तो जैसे नेफे की ऊंचाई मैंने रखी है 4 इंच, तो हम उसके ऊपर और 2 मिला लेंगे, 6 इंच कर लेंगे। तो ये है नेफे की ऊंचाई 6 इंच। और हम नेफे की लंबाई लेते हैं तकरीबन 15 इंच। 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे हम। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम 6 इंच गिन लेंगे नीचे। ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अब हम इन्हें काट लेंगे इस तरह। कपड़ा डबल रखा है मैंने, तो ये इस तरह से ये एक पट्टी निकल गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको आसन कैसे कट करना है। तो फिर हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड कपड़ा ले लेंगे इस तरह से। अब हमने 4 इंच का आसन रखा है, तो हम 4 ही इंच का काटेंगे इसको। और इसको यहां से हम रखेंगे 2.5 इंच। अब हमें इसे इस तरह से तिरछा जोड़ लेना है।
ये देखो फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसे तिरछा ही काटना है काटते वक्त। और ये त्रिकोण इस तरह से निकलता है, ये हमें बीच की साइड में लगाना है इस तरह से। तो आपको मैं मेरे अगले वीडियो में पैंट की स्टिचिंग दिखाऊंगी और फिर उसके बाद टॉप की कटिंग। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।